Hey guys, welcome back to my channel. और मैं बहुत दिन बाद आज वीडियो कर रही हूँ, so I feel really 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 good about it. और मैं आज कर रही हूँ एक golden, burgundy, थोड़ा सा pinkish, smoky eye. So hope you guys like this look. If you guys like this look, please keep on watching till the end. स्टार्ट करना चाहती हूँ अब अपने फेस से, और फेस को स्टार्ट करने के लिए मैं फर्स्टली अपने फेस को फ्रेम करना चाहती हूँ विथ माई आईब्राउज. और मैं बहुत दिनों से यही टेक्निक फॉलो कर रही हूँ कि मैं सबसे फर्स्ट में जो है वो आईब्राउज को शेप देती हूँ और फिर मैं आगे बढ़ती हूँ अपने मेकअप के साथ. और मैं ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप से, मतलब छोटे छोटे स्ट्रोक से अपने आईब्राउज को फिल कर रही हूँ. आप देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा पतला था, अभी थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है जैसे कि आप देख सकते हो. और मैं अगेन अनदर ब्राउ को भी ऐसे ही कंप्लीट करने वाली हूँ. और आप अपने ब्राउ शेप को ही बरकरार रखिए तो वो बहुत ज़्यादा नेचुरल लगेगा. अगर आप थोड़ा सा थिक करना चाहेंगे तो इट्स ओके, इट्स अपॉन यू, बट ट्राई कीजिएगा एक शेप में ही रखने का. ज़्यादा मोटा मत कीजिए और ज़्यादा पतला भी, इट्स नॉट लुक्स गुड. और अब सारे कंसीलर्स भी ब्लेंड हो चुके हैं और मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ अपने आईज़ को. और आईज़ को स्टार्ट करने के लिए मैं म्यूज़िक मिड फ्लावर जेल लाइनर का ब्लैक वन ले रही हूँ और मैं एक मोटा सा विंग लाइनर बनाने वाली हूँ अपने आईलिड में. आप देख सकते हो मैं कैसे मोटा सा विंग लाइनर बना रही हूँ आईलिड में, जस्ट लाइक दैट. और मैं फ्रंट पोर्शन को छोड़ दिया है, मतलब इनर कॉर्नर को जो पोर्शन है उसको मैंने छोड़ दिया है. मैं सिर्फ हाफ ऑफ द वे ये काजल को ले जा रही हूँ, जस्ट लाइक दैट. देन आई एम टेकिंग दिस मरून कलर फ्रॉम द बॉन्जोर पैरिश पैलेट और मैं इसको काला आईलाइनर के ऊपर प्लेस कर रही हूँ. आप देख सकते हो कैसे अपने उंगली से बहुत ज़्यादा अच्छे से कलर प्रेस्ड होता है, तो मैं उंगली का ही इस्तेमाल कर रही हूँ. पर थोड़ा सा प्रिसिशन के लिए ब्रश भी मैं यूज़ कर रही हूँ. और अब मैं ले रही हूँ ये बहुत ही छोटा सा एक ब्लेंडिंग ब्रश. ये इसका जो माथा है ना वो बहुत ही शॉर्ट है, सो मुझे ये थोड़ा सा स्मॉल पोर्शन में ब्लेंडिंग करने के में मदद करेगा. तो मुझे ये ब्लेंडिंग ब्रश पसंद है बहुत ज़्यादा. और इसको मैंने एक लोकल स्टोर से लिया था, प्राइस अराउंड 50 रुपीज़ था. सो आई रियली लाइक दिस स्मॉल फ्लैट टॉप ब्लेंडिंग ब्रश. और मैं धीरे धीरे बिल्ड कर रही हूँ कलर को, ब्लेंड भी कर रही हूँ और मेरून कलर से इसको बिल्ड भी कर रही हूँ. आप देख सकते हो आउटसाइड में थोड़ा सा स्मूदनेस आ रहा है और मैं बड़े से ब्लेंडिंग ब्रश को लेके इसको थोड़ा सा और स्मूदन अप करना चाहती हूँ, मतलब कर लिया. अभी मैं थोड़ा सा मरून कलर लेके जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है उसको भी मैं कवर करने वाली हूँ सेम मरून कलर से, जस्ट लाइक दैट. देन मैं अगेन ब्लेंड कर रही हूँ. अभी मैं सेम बॉन्जोर पैरिस पैलेट का ये गोल्डन कलर ले रही हूँ और एकदम ही इनर कॉर्नर में इसको प्लेस कर रही हूँ. आप देख सकते हो ये ब्यूटीफुल एक गोल्डन कलर है और मैं इसको प्लेस कर रही हूँ अपनी इनर कॉर्नर्स पे. और मिडिल का जो पार्ट है उसको मैं ब्लेंड करना चाहती हूँ ये थोड़ा सा बेज गोल्डन टाइप कलर से, जस्ट लाइक. मैंने लैश अप्लाई कर लिया है और ये लैश है प्रो आर्टे ब्रांड का 148 नंबर. प्रो आर्टे एक बहुत ही अच्छा सस्ता ड्रग स्टोर आई लैश ब्रांड है जो मुझे बहुत पसंद है. अभी मैं अपने फेस में यूज़ करना चाहती हूँ एस्टेलॉडर ऑल नाइटर सीरम, नाइट सीरम, जो मुझे बहुत पसंद है. और मुझे ये सीरम एज अ प्राइमर भी बहुत ही अच्छा लगता है और ये मेरी स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज भी करता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. अब मैं थोड़ा सा एक्सेस जो आई शेडो है उसको ब्रश करना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही थोड़ा सा है, तो मैं भूल गई थी जो कि अभी मैं क्लीन कर रही हूँ. और देन आई एम टेकिंग दिस लोरियल ट्रू मैच बीबी क्रीम, जो कि मेरे बहुत फेवरेट एक बीबी क्रीम है. और मैं इसको मिक्स करना चाहती हूँ ये नकारा ब्रांड का जो लिक्विड हाइलाइटर है उसके साथ. और ये नेकारा ब्रांड का लिक्विड हाइलाइटर बहुत ही सुंदर एक शैम्पेनी शेड का है, सो मुझे ये हाइलाइटर बहुत पसंद है. और मैंने बीबी क्रीम के साथ इसको मिक्स करके सारा फेस में लगा लिया पहले. एंड देन आई एम टेकिंग दिस फ्लैट टॉप ब्रश और जिससे मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपने फाउंडेशन को.
और मुझे आजकल फाउंडेशन ब्लेंड करना ब्रश से बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ। स्पंज मैंने बहुत दिन यूज़ कर लिया है तो मुझे ब्रश अभी बहुत पसंद आ रहा है। आई रियली 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 लाइक इट अ लॉट। हालांकि मुझे स्पंजेस भी बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन मुझे ब्रश भी काफ़ी पसंद आ रहा है आजकल। Now I'm taking little bit of concealer. This is a Krylon supra color concealer in the shade ivory. और मैंने थोड़ा सा ही इसको अप्लाई किया है, बहुत ज़्यादा मैंने अप्लाई नहीं किया है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा वाइट लग रही हूँ अभी, तो ब्रॉन्जिंग के टाइम तक इंतज़ार कीजिए, आप देख सकते हो मैं कैसे ब्रॉन्जिंग करके अपने फेस को पूरा सुंदर से एक टोन देने वाली हूँ। तो मैंने कॉन्टोरिंग के लिए चूज़ किया है अगेन Krylon supra color का नीग्रो, और मैंने बहुत अच्छे तरह से ब्लेंड कर लिया है अपने चेहरे पे ये कॉन्टोर। अब देख सकते हो बहुत अच्छा एक शैडो दिया है ये मेरे फेस को। सारे फेस को मैंने ब्लेंड कर लिया है। देन नोज कॉन्टोरिंग के लिए मैं मदद लेना चाहती हूँ स्पंज का, और मैं इसके बाद ब्रिज ऑफ माई नोज को थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगी, जस्ट लाइक दैट। और ये मेरे नोज़ को पूरा शार्प दिखाएगा, जो कि मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा शार्प नोज नहीं है। और देन आई एम टेकिंग दिस सिवाना कॉन्टोर पैलेट, और मैं इसके साथ अपने पाउडर मतलब कॉन्टोर प्लेस को थोड़ा सा सेट करना चाहती हूँ, थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क करना चाहती हूँ कॉन्टोर प्लेस को, जस्ट लाइक दैट। फोरहेड को भी मैं नहीं भूलती हूँ कभी भी, बिकॉज माई फोरहेड काइंड ऑफ बिग, नॉट टू बिग बट इट्स लिटिल बिट बिग। तो मेरे फेस अभी पूरा शेप में है, सो आई रियली लाइक इट। और मैं थोड़ा सा नोज कॉन्टोरिंग भी कर लिया है। और लिपस्टिक के लिए यूज़ करना चाहती हूँ नेचर्स का 555 शेड, और ये एक बहुत ही ज़्यादा प्लम डार्क प्लम्पी कलर है, बट ये थोड़ा सा ग्लॉसी है तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ग्लॉसी कलर, सो इट्स नॉट लुक्स गुड ऑन मी। सो मैंने इसके साथ टॉप इट अप किया आकर्ष का एक रेड लिपस्टिक, जो कि बहुत ज़्यादा डार्क रेड लिपस्टिक है। मुझे ये शेड, दोनों शेड का मिक्सचर काफ़ी पसंद आया। लुक, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर फन वीडियोज़। आई लव यू गाइज, बाई।